पूरी कायनात हमें गाली भी दे तो हजरत हसन हमें यह सबक दे गए कि जब रसूलुल्लाह की बात आए तो गाली देने वाले की तरफ नहीं देखना, जालिम की तरफ नहीं देखना, ताकतवर की तरफ नहीं देखना। मैंने कहा जी फिर क्या कहना है, फरमाया नारा लगाना है फैन्ना भी बवालदती व इर्दी लेर्दे मोहम्मद बिनकुम विकाऊ, मेरा प्यार भी, मेरा खानदान भी, मेरा सब कुछ रसूलुल्लाह की जात पर कुर्बान है। किसी को अपनी ताकत पर घमंड है, ताकतें मेरे रब की हैं, रब नहीं चाहेगा तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, तुमने तो हर ताकत आजमाई लब्बैक के खिलाफ। इकबाल कहना सी दिल रसूलुल्लाह नाल लाया, फिर जेड़े सहाबा बने सी उन्होंने भी दिल ला लिया, जेड़े आले बैत ने सी उन्होंने भी दिल ला लिया, और पाका ने उम्मत ना भी दिल ला लिया, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे। जाती हैसियत से तो हमने किसी को माना नहीं। इस सहाबा का दिफा करना कोई फिरकावारियत नहीं, आले बैत का दिफा करना कोई फिरकावारियत नहीं, उम्महातुल मोमिनीन के तकद्दस की बात करना कोई फिरकावारियत नहीं, कुरान की अजमत की बात करना कोई फिरकावारियत नहीं, और मुसलमात इस्लाम की गल करना कोई फिरकावारियत नहीं। फिरकावारियत ये है कोई अल्लाह ताला के बारे में बात कर दे, कोई रसूलुल्लाह के बारे में बात करे, कोई सहाबा के बारे में बात करे, कोई आले बैत के बारे में बात करे, कोई उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बात करे, कोई कुत्ता कुरान के बारे में भौंके, नहीं ऐसे नहीं होगा। जब तक हम हुजूर के गुलाम मौजूद है, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। असल अगर किसी लिबरल नू गलत फहमी है ना, ए रसूलुल्लाह दे गुलामां दा जोश और जज्बा वेख लो।